हेलो गाइस, वेलकम टू आवर 22nd वीडियो जेक्यूरी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की। इस 22nd वीडियो में हम जेक्यूरी का जो चीज़ हम लर्न करने जा रहे हैं वो है जेक्यूरी का चेंज इवेंट। चेंज इवेंट बेसिकली फॉर्म इवेंट है। सो आप इसको किसी भी इनपुट फील्ड, किसी भी टेक्स्ट एरिया या सिलेक्ट लिस्ट के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी HTML फाइल शो करता हूँ। देख सकते हैं कि मेरे पास सिंपली एक इनपुट फील्ड है और मेरी फाइल इस तरह से ब्राउज़र में नज़र आ रही है। तो मैं इसमें कुछ भी टाइप कर सकता हूं और इस तरह से नॉर्मली हमारी फाइल अभी नज़र आ रही है। तो चेंज इवेंट बेसिकली क्या है, जैसे ही हम इस इनपुट फील्ड या टेक्स्ट एरिया या कोई सिलेक्ट लिस्ट हो हम उसमें कोई चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ टाइप करता हूं टेक्स्ट एरिया या इनपुट फील्ड में या सिलेक्ट लिस्ट से कोई भी डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं, और जैसे ही मैं आउटसाइड क्लिक करूंगा या दूसरे लफ्जों में कहूंगे, जैसे ही वो एलिमेंट HTML का अपना फोकस लूज़ करेगा तो हमारे पास जो चेंज इवेंट है वो ट्रिगर हो जाएगा। सो आए देखते हैं और सीखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं सिंपली सिलेक्ट के साथ इनपुट फील्ड्स को सिलेक्ट करूँगा। मैं इनपुट टैग को यूज़ करता हूँ सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे। तो इनपुट सिंपली डबल कोट्स के अंदर लिखूँगा यहाँ पे डॉट चेंज, चेंज इवेंट का चेंज, यहाँ पे चेंज लिखा, यहाँ पे उसकी फंक्शन की ब्रैकेट सेमी कॉलन आएगा यहाँ पे इसके अंदर फंक्शन की ब्रैकेट्स, उसकी बॉडी की कर्ली ब्रैकेट्स, और इसको मैं नीचे पुश करता हूँ। यहाँ पे हम कुछ कोड लिखते हैं। तो इसको नीचे पुश किया, पुश करने के बाद यहाँ पे उसको सिलेक्ट किया सिलेक्टर के साथ डॉलर साइन दिस। मैं चाहता हूँ CSS के साथ उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ, तो CSS की फंक्शन की ब्रैकेट्स के साथ सेमी कॉलन, इसके अंदर कलर की ब्रैकेट्स, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी का नाम जो मैं पहले चेंज करना चाहता हूँ वो है बैकग्राउंड माइनस कलर, फिर अगेंस्ट कॉलन के साथ डबल कोट्स के अंदर कलर की वैल्यू, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए उसका। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि एक अलर्ट बॉक्स भी शो हो कि चेंज इवेंट इज ट्रिगर्ड। सो यहाँ पे जैसे ही चेंज इवेंट ट्रिगर होगा तो इस इनपुट फील्ड का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा और एक अलर्ट बॉक्स शो होगी कि चेंज इवेंट इज ट्रिगर्ड, ये टेक्स्ट होगा उसका। तो अपनी फाइल को सेव करते हैं, आते हैं ब्राउज़र में, अपनी फाइल को यहाँ पे रिफ्रेश किया। जैसे ही मैं इस इनपुट फील्ड में क्लिक करूँगा और कुछ टाइप करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ टाइप किए, अब जैसे ही मैं इस इनपुट फील्ड से या ये सिलेक्ट लिस्ट हो सकती है जिसका मैंने ऑप्शन चेंज किया है, कोई और ऑप्शन सेलेक्ट किया डिफ़ॉल्ट के अलावा, या टेक्स्ट एरिया में कुछ टाइप किया है, तो जैसे ही इस एलिमेंट से मैं बाहर, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट फील्ड लिखी है उस पर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इनपुट फील्ड है, आप टेक्स्ट एरिया को भी यूज़ कर सकते हैं या सिलेक्ट लिस्ट में। तो जैसे ही मैं इसको आउटसाइड पे क्लिक करूंगा या दूसरे लफ्जों में कहूँ कि जैसे ही ये हमारा एलिमेंट जो भी HTML का एलिमेंट हो वो अपना फोकस लूज करेगा तो चेंज इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए, और मुझे एक अलर्ट यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं आउटसाइड क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया इनपुट फील्ड का और हमें एक अलर्ट बॉक्स शो हो गया जिसने कहा कि चेंज इवेंट इज ट्रिगर्ड। सो इस तरह से jQuery का चेंज इवेंट जो है वो वर्क करता है। याद रखिएगा ये फॉर्म इवेंट है और ये जस्ट हमारे पास इनपुट फील्ड, टेक्स्ट एरिया या सिलेक्ट लिस्ट में काम करेगा। तो उसको फोकस लूज करना होगा ये इवेंट ट्रिगर होने के लिए, ये ज़रूरी है। और इनपुट जो हमारे पास सिलेक्ट लिस्ट है उसका जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसके अलावा कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करें तो ये ट्रिगर होगा, और फोकस लूज करते ही इसका कोड एग्जीक्यूट होता है। सो ये था हमारा jQuery का चेंज इवेंट। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट में अपने प्रॉब्लम को बताएं, मैं आपको हेल्प करने की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपकी पूरी हेल्प करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा अपनी। सो आने वाली वीडियोस को देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट jQuery की चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।